सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको रेड कलर का बटन होगा इस चैनल के नीचे, उसको उस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 9, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, आइडियल प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिटिव्स की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स देखेंगे विद एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स क्या होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एडिटिव जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी खुद की कोई लिटल या कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती जिनकी, बट इनको ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशन में इन ऑर्डर टू, मतलब इनको फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है क्या अचीव करने के लिए, हेल्प इन प्रोडक्शन। तो अगर फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने में, तो प्रोडक्शन जो है उसकी किसी भी डोसेज फॉर्म की वो करने में ईजी होती है। देन मेंटेन फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी, तो फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है अगर एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए। देन इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट जो एक्सेप्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, मतलब पेशेंट जो है उसको आराम से ले पाते हैं अगर एडिटिव्स ऐड किया जाते हैं फॉर्मुलेशंस में, बिकॉज जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो एक्चुअल में किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जो मेन जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है वो एडिटिव्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे कि पेशेंट उसको आराम से ले पाए उस डोसेज फॉर्म को, तो इसीलिए एडिटिव्स जो है उसमें ऐड किए जाते हैं। देन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द डोसेज फॉर्म, तो डोसेज फॉर्म जो है वो अच्छे से फंक्शन करे, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं फॉर्मुलेशंस में। ना आप देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एडिटिव्स की। तो देखिए सबसे पहले एडिटिव्स जो है वो फिजियोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए, इनर्ट मतलब उनकी खुद की कोई केमिकल रिएक्शन वो खुद में ना कॉज करें किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ जो कि डोसेज फॉर्म बनाने में यूज़ हो रहा है। देन फिजियोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही रिएक्ट कर रहा है या वो खुद ही प्रिपरेशन जो है उसको ख़राब कर दे रहा है, तो फिजियोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए वो। देन डू नॉट इम्पार्ट एनी अनडिज़ायरेबल टेस्ट कलर या ऑर्डर, तो वो खुद में कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट कलर या ऑर्डर जो है वो फॉर्मुलेशन को ना दे। देन नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे मटेरियल ना प्रेजेंट हो जो कि सेंसिटाइज कर दें बॉडी को किसी भी जिसको भी वो दिया जा रहा है उसको, इरिटेशन नहीं कॉज करनी चाहिए उसमें, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए वो। देन इफेक्टिव होना चाहिए वो लोएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडिटिव जो है वो ऐड करने की ज़रूरत हो, वो इफेक्टिव होना चाहिए अपने कम कंसंट्रेशन में ही। देन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। नॉट इंटरफेयर विद बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी जो है उसके साथ वो इंटरफेयर ना करें। देन एक्सेप्टेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और जो भी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके द्वारा वो एक्सेप्ट किया जा चुका हो प्रीवियसली। तो ये इस तरह की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं एडिटिव्स की। ना आप देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स जो कि यूज़ किए जाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में। तो देखिए सबसे पहले होते हैं सर्फेक्टेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में। देन वहीकल्स का यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है, देन कम्प्लेक्सिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, बफर्स का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोकोलॉइड्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड टोनोसिटी एडजस्टर। तो इसमें से जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में देखेंगे अपनी अगली स्लाइड्स में। ना देखिए सबसे पहले देख लेते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में क्या होते हैं। देखिए सर्फेक्टेंट के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लोअर करते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स के बीच में, सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं, या गैस एंड लिक्विड के बीच में, या लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन रिड्यूस करके ये क्या करते हैं कि फेस सेपरेशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, किसी भी तरह का फेस सेपरेशन ना हो किसी भी तरह के प्रिपरेशन में, तो उसको प्रिवेंट करते हैं सर्फेक्टेंट। देन सर्फेक्टेंट जो है वो एक्ट कर
सकते हैं एज वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर, एंटी फोमिंग एजेंट एंड सोलिबलाइजिंग एजेंट। तो देख लेते हैं, देखिए एक एक करके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं एंड देन इसके बारे में देखेंगे कि ये एजेंट्स होते क्या, इनकी एक डेफिनेशन भी देखेंगे हम क्या होते हैं। देखिए सोलिबलाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल, पॉलीसॉर्बेट 80 होता है, पॉलीसॉर्बेट 20 होता है, पॉलीसॉर्बेट 40 होता है। देन वेटिंग एजेंट में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, कौन कौन से देखिए, ट्वीन यूज़ किया जाता है, ट्वीन स्पान यूज़ किया जाता है, SLS यूज़ किया जाता है। देन इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है, ग्लिसरॉल एस्टर्स यूज़ किया जाता है, सिट्रीमाइड का यूज़ किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स में। देन एंटी फोमिंग एजेंट्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है, देखिए कैस्टर ऑयल एंड फैटी एसिड। तो इन सारे ही एजेंट्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स, जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे क्या होते हैं ये एजेंट्स। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्युबल ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स जो कि वाटर में सोल्युबल नहीं होती, तो उन ड्रग्स की सोल्युबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐड किए जाते हैं उस प्रिपरेशन में सोल्युबलाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे पॉलीसॉर्बेट 80, 20 एंड 40 का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एंड देन लेबोरेटरी प्रोसेसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है। देन अगर हम देखें तो सेकंड में हो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने देखा था क्या होते हैं। देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सोल्युबल होते हैं फैट एज वेल एज वाटर, दोनों में ही ये सोल्युबल होते हैं और क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फैट की कि वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए वाटर फेज में और एक स्टेबल इमल्शन जो है हमारा वो प्रिपेयर हो जाए। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है दोनों में ही सोल्युबल होते हैं एक और एक स्टेबल इमल्शन फॉर्मेशन के लिए ऐड किए जाते हैं प्रिपरेशन में, ताकि इमल्शन जो है वो स्टेबल फॉर्म हो, वो सेपरेट ना हो दोनों ही फेस आपस में एक दूसरे से। तो देखिए दो तरह के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों में ही इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से, ग्लाइकोल, ग्रिस्टोर एस्टर्स एंड सिट्रीमाइड का यूज़ किया जाता है। देन वेटिंग एजेंट में हमने देखा था क्या होते हैं, देखिए ये इंक्रीज करते हैं स्प्रेडिंग एंड पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय लोअरिंग इट्स सर्फेस टेंशन। तो ये क्या करते हैं वेटिंग एजेंट, ये स्प्रेडिंग अच्छे से स्प्रेड हो पाए लिक्विड और अच्छे से उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो भी इंक्रीज हो पाए, तो इसलिए ऐड किए जाते हैं प्रिपरेशन में वेटिंग एजेंट जिनमें ट्वीन स्पान्स एंड SLS का यूज़ किया जाता है। देन लास्ट में हमने देखा था एंटी फोमिंग एजेंट, तो जैसे इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है ये ऐसे एजेंट होते हैं, केमिकल एडिटिव होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं या हम कह सकते हैं हिंडर करते हैं फोम की फॉर्मेशन, जो इंडस्ट्रियल लिक्विड होते हैं तो उसमें किसी भी तरह का फोम, किसी भी तरह का झाग ना बने, तो उसको प्रिवेंट करते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कैस्टर ऑयल एंड फैटी एसिड। तो ये थोड़ा डिटेल्स था इन एजेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर याद रखें। देखिए सेकंड देख लेते हैं अपने व्हीकल्स क्या होते हैं। देखिए व्हीकल्स एक ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं फॉर्मुलेशन के, उनको डिसॉल्व किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उनको डिस्पर्स किया जाता है। अगर इंग्रेडिएंट जो है वो आपस में डिसॉल्व होगा एक दूसरे में तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रिपेयर हो जाती है हमारी फॉर्मुलेशन। अगर जो इंग्रेडिएंट है वो सस्पेंडेड है, फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस तरह के प्रिपरेशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। एंड अगर वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस तरह की फॉर्मुलेशन को हम इमल्शंस कहते हैं। तो ये तीनों ही अलग अलग तरह की फॉर्मुलेशंस होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले जो हम प्रेजेंटेशन है उसमें पढ़ेंगे। तो कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, देखिए फार्मास्यूटिकल व्हीकल्स, एक्वस व्हीकल यूज़ किए जाते हैं एंड ऑयली व्हीकल यूज़ किए जाते हैं। एक्वस व्हीकल में एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए वाटर को यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक वाटर को यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है। देन ऑयली व्हीकल में क्या क्या यूज़ किया जाता है, देखिए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया जाता है, मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस या इमल्सिफाइड बेसिस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के इन व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। ना देखिए देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में क्या होते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, स्पेशली वन यूज्ड टू काउंटरैक्ट द डिटेरियरेशन ऑफ ड्रग एंड स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन होने से, रोकते हैं ऑक्सीडेशन होने से, स्पेशली यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स को ख़राब होने से बचाने के लिए और जो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट जो है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए प्रिपरेशन जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए
जाते हैं ताकि किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो किसी भी तरह के फॉर्मुलेशन में या स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स में। तो देखिए तीन तरह के होते हैं, ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम कह सकते हैं, एंड देन साइनर्जिस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में ही आते हैं ये। क्या होता है देखिए, सबसे पहले ट्रू एंटीऑक्सीडेंट में देखते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं बाय सप्रेसिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है उसको सप्रेस करते हैं, उसको होने से रोकते हैं, ये इस तरह से एक्ट करते हैं। इन दोनों के बारे में अभी हम आने वाली अपने स्लाइड पे देखेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो एग्जांपल में इसके होते हैं देखिए, अल्फा टोकोफेरॉल, BHA, BHT एंड मिथाइल गैलेट। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं आपसे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं देखिए, ये दीज गेट प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज ओवर द ड्रग। तो ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्रग को ऑक्सीडेशन डाइज होने से बचाते हैं। अब इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इनमें क्या क्या होते हैं। देखिए सोडियम सल्फाइड होता है, सोडियम बाईसल्फाइड होता है एंड सोडियम मेटाबाईसल्फाइड होता है। नाउ देखिए साइनर्जिस्ट एंटीऑक्सीडेंट कैसे एक्ट करते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं कॉम्बिनेशन विद अदर्स। तो ये दूसरे जो एजेंट हैं उनके साथ इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ताकि इन एजेंट्स का ये इफेक्ट जो है उसको इंक्रीज़ कर पाए। क्या होते हैं देखिए एग्जांपल, इसमें EDTA यूज़ किया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया जाता है एंड सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। ना देखिए देख लेते हैं ट्रू एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो इस स्लाइड पे ये कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं समथिंग में टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट समथिंग। समथिंग पर यहाँ मतलब है कि किसी ड्रग में या किसी फूड प्रोडक्ट जो है उसमें ऐड किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि उस ड्रग का या उस फूड प्रोडक्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो पाए, या तो हो ही नहीं पाए या उसका ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन धीरे धीरे हो। तो इस तरह की प्रिपरेशन होती है एंटीऑक्सीडेंट, कैसे काम करती है देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा ड्रग है, इसमें एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर्म हो गया है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है इस ड्रग की, एनवायरमेंट के एक्सपोजर में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया, जिससे कि ये ड्रग जो है ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इस ड्रग को, जिसके कारण क्या होता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड फॉर्म में आ जाता है और इसका ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट या स्लो डाउन कर देता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ये वर्क करते हैं, दे वर्क बिकॉज दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड ईजियर देन द कंपाउंड दे आर एडिड टू। मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है जब इनको ड्रग या किसी फूड प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं और ड्रग के ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट कर देते हैं इस तरह से, क्यों, क्योंकि ये एटमोसफेयर में खुद ही ऑक्सीडाइज हो गए हैं, जिस जो ऑक्सीडेशन ड्रग का होना था वो ऑक्सीडेशन इनका हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया है, जिसकी वजह से ड्रग जो है उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो गया है। अगर हम इसी में एग्जांपल देख लें, तो मान लीजिए ये ड्रग है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया जा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे कि ड्रग का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर देगा ये, या हम कह सकते हैं कि ये जो है ड्रग का ऑक्सीडेशन होने से रोक देगा। तो इस तरह से एक्ट करते हैं ट्रू एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ना देखिए फोर्थ देख लेते हैं हम अपने हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड जो है इनको हम थिकनिंग एजेंट भी कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स आर हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कॉमनली फॉर थिकनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, हाईली विस्कस सॉल्यूशन बनाने के लिए, सस्पेंशन या जेल्स। तो एक तरह से ये थिकनिंग एजेंट होते हैं जिनकी मदद से जो सॉल्यूशन सस्पेंशन और जेल है उनमें विस्कोसिटी उनकी इंक्रीज की जाती है इन हाइड्रोकोलॉइड जो है इस तरह के एजेंट्स को ऐड करके। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं एंड सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है देखिए अकेशिया, ट्रागाकांत, अगार बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह। देन सेमी सिंथेटिक में सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है एंड मिथाइल सेलुलोज होते हैं। देन सिंथेटिक में होते हैं कार्बोपोल्स। तो ये तो हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में।
ना देखिए फिफ्थ देख लेते हैं, प्रिजर्वेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं देखिए प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको ऐड किया जाता है इस तरह के प्रिपरेशंस में। किस लिए ऐड किया जाता है, जिससे कि ये जो सारी प्रिपरेशन है इनमें किसी तरह की डिकम्पोजिशन, ये तरह इस ये प्रिपरेशन जो है ये ख़राब ना हो, किसी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इनमें, और बाय अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस इस तरह के प्रिपरेशंस में ना आए। तो किस तरह के प्रिपरेशंस में देखिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, फूड में ऐड किए जाते हैं, बेवरेजेस जो होती हैं उनमें ऐड किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, पेंट्स में, बायोलॉजिकल सैंपल्स में, कॉस्मेटिक्स, वुड्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट जो हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और किसी भी तरह का केमिकल चेंजेस जो है उस तरह के प्रोडक्ट में ना आए। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड ऐड किया जाता है 0.1 to 0.2% कंसेंट्रेशन दी गई है देखिए आपको। तो एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, देन सोडियम बेंजोएट को ऐड किया जाता है, देन एल्कोहल को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन को भी यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। और यहाँ जो आपको दिए गए हैं ये इसकी कंसेंट्रेशन है जिसमें इसको ऐड किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ना देखिए सिक्स देख लेते हैं, कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट जो है ये किसी, ये हम कह सकते हैं किसी तरह के डाइज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको जब ऐड किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स में, ड्रग में, कॉस्मेटिक्स में, या किसी ह्यूमन बॉडी में, तो वो उस एरिया को या उस प्रिपरेशन को कलर इम्पार्ट कर देते हैं, कलर दे देते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्यों ऐड किया जाता है, जब किसी भी तरह के पार्ट जो है किसी पार्ट में कोई टेस्टिंग करनी होती है किसी तरह की, तो उस समय क्या किया जाता है कि कलरिंग एजेंट को, डाइज जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है ताकि टेस्टिंग करी जा सके ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स की। तो ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक जो है हम अपने फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देन देखिए कलरिंग एजेंट जो होते हैं ऑल्सो ऐड किए जाते हैं देने के लिए एस्थेटिक अपील एंड इम्पार्ट करने के लिए प्लीजिंग अपेयरेंस, जैसे टैबलेट्स होती हैं तो उनमें ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी अपेयरेंस जो है वो अच्छी दिख सके टैबलेट। देन ऑल्सो ऐड किए जाते हैं मास्क करने के लिए डिसकलर्ड या डिग्रेडेड इंग्रेडिएंट्स, मतलब किसी तरह के जो इंग्रेडिएंट है, जो डिग्रेडेड इंग्रेडिएंट हैं, जो डिसकलर्ड हैं, उनको मास्क करने के लिए, उनको छुपाने के लिए भी ऐड किए जाते हैं कलरिंग एजेंट। एंड ऑल्सो ऐड किए जाते हैं मेंटेन करने के लिए अपेयरेंस ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ, तो पूरी शेल्फ लाइफ जो है उसके दौरान वो टैबलेट जो है वो उसी तरह की लगती रहे, उसकी अपेयरेंस सेम रहे, तो इसलिए भी ऐड की जाती है कलरिंग एजेंट। देखिए शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम होता है फॉर विच एन आइटम रिमेन यूजेबल फिट फॉर कंजप्शन एंड और सेलेबल। तो शेल्फ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आइटम जो है वो यूज़ करने लायक हो, कंजप्शन के लिए फिट हो एंड सेलेबल हो, सेल करने के लिए वो ठीक हो। तो इन तरह के उसको शेल्फ लाइफ में उसकी अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए भी ऐड किए जाते हैं उसमें कलरिंग एजेंट। एंड ऑल्सो ऐड किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी ऐड किए जाते हैं कलरिंग एजेंट। तो इनके एग्जाम्पल हम अपने देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए देख लेते हैं कलरिंग एजेंट के एग्जांपल। तो देखिए दो तरह के होते हैं, नेचुरल एजेंट होते हैं एंड सिंथेटिक एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं। तो नेचुरल में क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं वेजिटेबल कलर्स में कौन कौन से होते हैं। देखिए क्लोरोफिल एंड कैरोटीन होते हैं जो कि वेजिटेबल कलर्स के अंदर आते हैं नेचुरल कैटेगरी में। देन एनिमल कलर्स में कौन कौन से होते हैं, कोचिनील होता है एनिमल कलर्स में। देन मिनरल कलर में कौन कौन से होते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है एंड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपिटेटिव एग्जाम्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखें। देन सिंथेटिक में देखिए कौन कौन से होते हैं, कलर्स फॉर FDNC होते हैं। FDNC क्या होते हैं, ये डाई जो है, एक तरह के डाइस को ही इस तरह का नाम दिया जाता है FDNC। तो इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, FDNC रेड नंबर 3 एंड FDNC येल्लो नंबर 5। देन कलर फॉर DNC, ये भी एक तरह के डाई होते हैं, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, DNC ब्लू नंबर 5 जिसमें इंडिगो कलर होता है, DNC रेड नंबर 22 जिसमें ईओसिन होता है एंड DNC येलो नंबर 7 जिसमें फ्लोरेसेंट कलर होता है। तो इस तरह के एजेंट्स होते हैं कलरिंग एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। देखिए देख लेते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में क्या होते हैं। देखिए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं मास्क करने के लिए अनप्लेजेंट टेस्ट जो होती है किसी तरह के प्रिपरेशन में, उसको मास्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन विटामिन जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रेसबेरी फ्लेवर जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काफ़ी सारे प्रिपरेशन में। देन पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो है वो भी फ्रूटी फ्लेवर के बनाए जाते हैं, इन तरह के फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं उसको ईजिली ले सके। देन वोलेटाइल ऑयल इंक्लूडिंग सिनेमन, क्लोव,
लेमन, ऑरेंज एंड पेपरमेंट फ्लेवर जो है, इस तरह के वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो भी ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं? क्योंकि ये एक्टिवेट करते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स कौन सी होती हैं? जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेट करती हैं। तो ऑल्फैक्टरी सेल्स को भी एक्टिवेट करने वाले ऑयल ऐड किए जाते हैं। बेसिकली कामिंग पर्पस जो है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि सेंस ऑफ स्मेल जो है वो एक्टिवेट हो जाए इन तरह के ऑयल से। देन कौन कौन से होते हैं, देखिए इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेचुरल सोर्स होते हैं इसमें, वोलेटाइल ऑयल ऐड किए जाते हैं, एंड सिंथेटिक केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। देन नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? पाइनएप्पल ऐड किया जाता है, कार्डेमम ऐड किया जाता है, जिंजर ऐड किया जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट अगर हम देखें उसमें तो। देन वोलेटाइल ऑयल में जैसे अभी हमने देखा क्लोव, लेमन, ऑरेंज, रोज ऐड किया जाता है। देन सिंथेटिक केमिकल्स में कौन कौन से ऐड किए जाते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड्स ऐड किए जाते हैं, फैटी एसिड एंड एस्टर्स ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है उनमें। देखिए स्वीटनिंग एजेंट देख लेते हैं क्या होते हैं। स्वीटनिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्वीट कर देते हैं फूड को, बेवरेजेस को, मेडिकेशंस को। इसको भी मास्क करने के लिए, अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट्स को। कौन कौन से यूज़ किया जाता है कि शुगर यूज़ किया जाता है, सैकरिन यूज़ किया जाता है, और लो कैलोरी सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है उनको भी यूज़ किया जाता है। देन कौन कौन से देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं स्वीटनिंग एजेंट के। शुगर्स होते हैं, देन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है उनको भी यूज़ किया जाता है, एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है उनको भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं शुगर में क्या क्या यूज़ किया जाता है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड सीरप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं शुगर्स की कैटेगरी में। देन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में ऐड किया जाते हैं सॉर्बिटोल, मैनिटोल, ग्लिसरीन, एंड आर्टिफिशियल में ऐड किए जाते हैं सैक्रीन एंड एस्पार्टेम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ना देखिए लास्ट देख लेते हैं अपने बफर्स क्या होते हैं। बफर्स, बफर जो है इस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच। जब उस जब सॉल्यूशन जो है उसमें किसी तरह का एसिड या बेसिक कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं, मतलब कि किसी भी तरह का चेंज इन पीएच जो है वो नहीं होने देते हैं सॉल्यूशन का। बफर अगर उस सॉल्यूशन में एडेड है, अगर उस सॉल्यूशन में किसी तरह का एसिड या बेसिक कंपाउंड ऐड किया जा रहा है तब देख लेते हैं। देखिए इट इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल amount of added acid or base, thus maintaining the pH of the solution relatively stable. तो ये ऐसे compound होते हैं जो कि solution जो है उसकी pH को stable maintain करके रखते हैं। अगर उस solution में acid या base जो है वो भी small amount में add किया जा रहा है, तब भी solution की pH नहीं change होती है अगर उसमें buffers added हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से example हैं इसके। देखिए मोनोबेसिक सोडियम एसिटेट का यूज़ किया जाता है, सोडियम सिट्रेट का यूज़ किया जाता है, पोटेशियम फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है, एंड पोटेशियम मेटाफॉस्फेट्स का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 10, जिसमें हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।